नमस्कार। फुलौरा को हम अलग अलग दाल से बनाते हैं। आज मैं बनाऊंगी चने दाल का फुलौरा। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम चने की दाल को भिगा करके रात को छोड़ दिया था और सुबह में आज इसको छान करके इसका पानी निकाल करके रख लिया है। अब मैं इसको मिक्सिंग जार में डाल करके पीस लूँगी। यहाँ पर मैंने आधा दाल डाला हुआ है और इसको मैं दो पार्ट में पीसूंगी। दाल में पानी एकदम से नहीं होना चाहिए और इसको हमको मिक्सी को रोक रोक कर चलाना पड़ेगा। एक साथ में मिक्सी चलाएंगे तो आपकी दाल नहीं पीसेगी। तो मिक्सी को रोक रोक कर चला करके मैंने इसको मोटा दरदरा पीस के तैयार कर लिया है। और इसी तरह से बचे हुए दाल को भी मैंने पीस लिया और पीस करके एक थाली में मैंने इसको निकाल लिया है। और अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी। सारे दाल को मैंने निकाल लिया और ये देखिए, देखने में ये मोटा दरदरा पीसा हुआ है, बिल्कुल बारीक नहीं करना है इसको। मसालों में मैंने लिया है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, और एक चम्मच भर के मैंने लिया है जीरा पाउडर, आधा चम्मच मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, और इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने कितना बढ़िया से इसको मिक्स कर लिया है और ये हाथ में लेने से बिल्कुल टाइट टाइट है। हमारा डो जो बन के तैयार हुआ है एकदम परफेक्ट डो है और इसी तरह का डो हमको बनाना है फुलौरा के लिए। सारे मसाले को मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद के अनुसार नमक और नमक डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे। नमक आप तभी डालिए जब हमको फुलौरा तुरंत बनाना हो, नहीं तो नमक डालने के बाद ये हल्का सा पानी छोड़ेगा। तो हमको फुलौरा अभी बनाना है तो मैंने इसमें नमक डाल दी। सबसे आखिरी में मैं डालूंगी मीठा सोडा इसमें और डाल करके इसको मिला लेंगे। इस तरह से चारों तरफ इसको मिलाते हुए सोडे को अब मैं इसका फुलौरा बनाना तुरंत शुरू करूंगी। कढ़ाई में ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और मैं एक एक बड़ा करके डाल दूंगी। इसी तरह से मैं चार पांच बड़े को एक साथ में डाल दूंगी और गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो रखूंगी। अभी तो मैंने इसको मीडियम किया हुआ है और डालने के बाद इसको लो कर दूंगी। हाई फ्लेम नहीं करना है, नहीं तो हाई फ्लेम पर हमारा बड़ा ऊपर से जल जाएगा और नीचे से कच्चा रह जाएगा। और इसी तरह से मैंने चार पांच बड़ा इसमें डाल दिया और डाल करके इसको धीमी आंच पर पकाऊंगी। ये देखिए इस तरह का बड़ा मैंने लिया है, इस साइज का। इसे ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाता है। अब इसको धीमी आंच पर सेक लेंगे। मैंने इस समय छह बड़े इसमें डाले हुए हैं और ये देखिए करीबन छः सात मिनट हुए हैं हमको इसको पकाने में और यहाँ पर फुलौरा हमारा बिल्कुल पक के तैयार हो गया है। यहाँ पर सारे फुलौरा मैंने बना करके तैयार कर लिया और इसमें मैं डालूँगी अब ऊपर से थोड़ा सा काला नमक और भुना हुआ जीरा। आप चाहे तो मिर्च पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, आपको मिर्च ज़्यादा पसंद है तो। मेरा रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक बार फिर से अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।